फाइलम प्रोटोजोआ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन, संघ प्रोटोजोआ, सामान्य लक्षण और वर्गीकरण। संघ प्रोटोजोआ के जंतु सूक्ष्मदर्शी होते हैं और एकोष्की होते हैं, यानी इन जंतुओं को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इनमें ऊतक अंग या अंगतंत्र जो है नहीं पाया जाता। ये जंतु एक या एक से अधिक केंद्रकयुक्त होते हैं और ये एकल या कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर अब तक लगभग 50,000 प्रोटोजोअन जंतु प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने सर्वप्रथम वोर्टिसेला कॉन्विलेरिया नामक प्रोटोजोन को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा और उन्होंने इसे एनिमल क्यून नाम दिया। इसके बाद में गोल्डफस नामक प्राणी विज्ञानी ने प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया। प्रोटोजोआ एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रथम जंतु, यानी प्रोटो का मतलब फर्स्ट और जोन्स यानी एनिमल्स, यानी पृथ्वी पर विकसित होने वाले पहले जंतु। इसके बाद में एमिनेंट जूलॉजिस्ट हाइमन और अन्य प्राणी विज्ञानियों ने ऐसे जंतुओं को एसेलुलर एनिमल कहा। जो प्रोटोजोन्स जंतु हैं इनका शरीर एक कोशिकीय होता है और सामान्यतः है इन जंतुओं को एसेलुलर कहा जाता है बजाय यूनिसेलुलर के, क्योंकि इनमें जो एकल कोशिका है वो ही जीवन की सभी जो क्रियाविधि हैं उनको संपन्न कर लेती है। तो ये एकल कोशिका में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं वो उसी तरह से कार्य करते हैं जैसे मेटाजोन्स जंतुओं में विभिन्न ऊतक अंग या अंगतंत्र कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, यानी संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं के सामान्य लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले प्रोटोजोन्स जो जंतु होते हैं वो एकोष्की या नॉन सेलुलर प्रकार के जीव होते हैं और इनका जो शारीरिक संगठन है वो जीवध्रुवीय प्रकार का होता है, यानी इनमें जो ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जीवध्रुवीय प्रकार का होता है। और इसमें पहले मैंने बताया कि जो सिंगल सेल है वो ही सारी क्रियाविधि को परफॉर्म करती है और इस कारण से जो है इस तरह के जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं, ए सेलुलर जीव कहलाते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो उनमें श्रम विभाजन भी पाया जाता है, यानी प्रत्येक ऑर्गेनेल्स है वो एक विशिष्ट कार्य के लिए एक तरह से विकसित या एक तरह से विशिष्टीकृत होता है। इसके अलावा अगर हैबिटेट की हम बात करें तो ये जंतु एकल या कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें एकल जंतु की तो ये युगलिना, और अगर कॉलोनियल जंतु की अगर बात करें तो प्रोटोरोस्पोंजिया जो है इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्रोटोरोस्पोंजिया को क्या कहते हैं, एक तरह से ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच में कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोटोजोन्स हैं वो अधिकांश एक्वेटिक होते हैं और उनमें से जो है कुछ मुक्तजीवी, कुछ परजीवी और कुछ जो है सहभोजी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। इनका शरीर गोलीय सममित या असममित प्रकार का होता है। प्रोटोजोन्स जंतु जो है या तो नेक्ड होते हैं यानी अनावृत होते हैं, इनके शरीर के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, या अगर आवरण पाया जाता है तो पेलिकल का आवरण पाया जाता है। गमनांग इनकी मुख्य विशिष्टता है जिसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इन जंतुओं में जो गमनांग है वो शूडोपोडिया यानी कूटपाद या फाल्स फुट, इसके अलावा सीलिया पाए जाते हैं, फ्लेजेला भी होते हैं,
कुछ जंतुओं में बायोनियम्स भी गमनांग का कार्य करते हैं और कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनमें गमनांग अनुपस्थित होते हैं। पोषण की अगर बात करें तो ये जंतु होलोफाइटिक होते हैं, यानी लाइक ए प्लांट और होलोजोइक लाइक एनिमल्स, यानी प्लांट और जो एनिमल है इनको ये भोजन के रूप में पूरे जंतु को जो है इनगल्फ कर लेते हैं, अंतर्ग्रहित कर लेते हैं। इसके अलावा सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, यानी जो मृत पादप जो है उनको भी भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें जो पाचन है वो अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है, इंट्रासेलुलर अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मिक्सोट्रोफिक प्रकार का, यानी एक से अधिक प्रकार के उनमें जो है न्यूट्रिशन की जो है तकनीक या विधि जो है पाई जाती है। जैसा कि मैं बताया कि जो पाचन है वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर यानी अंतःकोशिकीय, और ये जो है जो भोजन है वो फूड वेहिकल्स के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। श्वसन के रूप में इनमें कोई विशेष कोई ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, लेकिन बॉडी सरफेस से जो है जो रेस्पिरेटरी गैस है उनका एक्सचेंज डिफ्यूजन के द्वारा यानी विसरण के द्वारा जो है होता है। कुछ जंतु जो पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं उनमें एवाइवीय प्रकार का एनोरोबिक प्रकार का जो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एक्सक्रेशन की अगर बात करें तो ये भी जो जनरल बॉडी सरफेस है उसे डिफ्यूजन के द्वारा होता है, या जो कॉन्ट्रैक्टर वेक्यूल है वो बॉडी सरफेस के पास आके एक तरह से फूट जाती है, या वो जो है उसको बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, इस तरह से जो वेस्टेज है वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर वेक्यूल है वो मेनली फॉर ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होती है। इसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये जंतु जो है इनमें अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई विधियाँ होती हैं जिसमें बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, प्लाज्मोटोमी है, बडिंग है, ये अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं प्रमुखता से पाई जाती हैं। लैंगिक जनन जो है वो सिनगेमी या कंजुगेशन द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा बहुत से जो जीव हैं जो विपरीत परिस्थितियों में जो है उनके चारों जो है एक तरह से एक इंसिस्टमेंट, एक तरह से एक हार्ड कवर या परत जो है डेवलप हो जाती है, और उस कारण से ये जो है अपने आप को जो है विपरीत परिस्थितियों से बचा लेते हैं। यानी मैनी फॉर्म्स अंडरगो इंसिस्टमेंट टू टाइड और अनफेवरेबल कंडीशंस, सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्मा आर नॉट डिफरेंशिएट, हेंस दे आर इमोर्टल एग्जेम्प्ट फ्रॉम नेचुरल डेथ। इस कारण से इनको यूँ भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक मौत नहीं होती, यानी इमोर्टल है, इमोर्टल का मतलब ये अमर है एक तरह से। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, अगर इनके वर्गीकरण की अगर बात करें तो अलग अलग लोगों ने संघ प्रोटोजोआ को अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रोटोजोआ जो है एक बड़ा जंतु संघ है और इसमें लगभग 50,000 जंतु प्रजातियाँ सम्मिलित की गई हैं, और ये जो जंतु प्रजातियाँ हैं इनमें विभिन्नताएँ भी देखने को मिलती हैं, यानी ये कुछ जो है पादप सदस्य हैं, कुछ जंतु सदस्य हैं, छोटे भी हैं, ये अलग अलग जो है वातावरण में भी रहने वाले हैं, जो एयर में भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, और जो है कुछ दूसरे जीवों में पैरासाइटिक के फॉर्म के रूप में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनमें जो है विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। साथ ही चूँकि ये छोटे हैं, कुछ जंतुओं में बड़ा कन्फ्यूजन है क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये जो है पादप के भी इनमें लक्षण देखने को मिलते हैं और जंतु के। जैसे हम बात करें युगलिना की, तो जैसे मान लो क्लोरोफिल अगर उपस्थित है तो जंतु को जो है जीव जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्लांट में हम सम्मिलित करते हैं, लेकिन अगर लोकोमेटरी ऑर्गेनल्स हैं उसमें तो हम उसको एनिमल में सम्मिलित करेंगे। तो इस तरह से युगलिना जो है उसमें जैसे क्लोरोफिल अगर है उसमें तो वो क्या है, प्लांट लाइक है ना, ऑटोट्रोफ है, लेकिन उसमें क्या है अगर युगलिना है सॉरी फ्लेजेला या अगर सीलिया कोई भी अगर उपस्थित हैं, लोकोमोटरी अगर ऑर्गन उपस्थित हैं, तो युगलिना में क्या है
फ्लेजिला, तो इस कारण से उसको हम एनिमल कैटेगरी में रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई इसमें जो है जो इसका वर्गीकरण था इसमें बड़ा कन्फ्यूजन था, प्रॉब्लम थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण किया, और इस बारे में जो हाइमन है, हिकमन है, स्टोरर, यूशिंजर है, इनका काम बड़ा सराहनीय रहा है। इन लोगों ने, हाइमन, हिकमन और स्टोरर ने, जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसको 200 फाइलम में डिवाइड किया, और इसका आधार था लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, यानी जो गमनांग है इसके आधार पर संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं को 2 उपसंघों में विभाजित किया। इसके बाद में ये दोनों उपसंघ हैं इनको फिर 5 वर्गों में विभाजित किया गया। लेकिन वर्तमान में हम जिस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात कर रहे हैं वो B.M. हनिंगबर्ग द्वारा दिया हुआ है, और यही ज़्यादा स्वीकार्य है। इसका कारण ये है क्योंकि जो प्रोटोजोन्स हैं उनकी जो टेक्सोनॉमिक पोजीशन है उससे संबंधित जो प्रॉब्लम है उनके समाधान के लिए एक प्रोटोजोलॉजिस्ट की सोसाइटी बनाई गई 1964 में, और उस सोसाइटी को जो है टेक्सोनॉमी से संबंधित समस्या या जो इसको कहाँ किस वर्ग में कहाँ रखा जाए, यानी जो वर्गी की संबंधित समस्या थी उससे उनके निराकरण से संबंधित कार्य दिया गया, और इस समिति ने जो जंतुओं को जिस वर्ग में रखा, जो वर्गीकरण दिया, उस वर्ग वर्गीकरण को B.M. हनिंगबर्ग ने अपनाते हुए अपना एक वर्गीकरण की रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की, और उस रूपरेखा पर ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो B.M. हनिंगबर्ग हैं उन्होंने ये बताया कि प्रोटोजोन जो जंतु हैं इनको हम 4 सब फाइला में विभाजित कर इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इन्होंने सब फाइलम रखा उसका नाम था सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरे का था स्पोरोजोआ, और तीसरे का था निडोस्पोरा, और चौथे का था शीलियोफोरा, यानी सार्कोमेस्टिकोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा और शीलियोफोरा, ये 4 उपसंग बनाए गए, और प्रत्येक उपसंग में फिर वर्ग है उसमें सुपर क्लास भी सम्मिलित की गई। फिर आगे जो है इनके ऑर्डर और जो है फैमिलीज ये सब अलग। तो इस तरह से जो हनिंगबर्ग की जो वर्गीकरण की रूपरेखा है उसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो हनिंगबर्ग ने जो समस्त प्रोटोजोन है उनको 4 उपसंगों में विभाजित किया, और पहला उपसंग का है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा भी एक ग्रीक वर्ड है, और जिसमें सार्कोड्स जो है का मतलब है फ्लेसी, मेस्टिक्स यानी वीफ यानी चाबुकनुमा, और फोरोस का अर्थ है वियरिंग, यानी ये जंतु जो है इनमें एक मांसल चाबुकनुमा संरचना जो है वो पाई जाती है, और ये क्या करता है एक तरह से उसको जंतु को मूवमेंट का, जैसे चाबुक जो है घोड़े वगैरह के जो है इनमें अपन जो है चाबुक से वो तेज़ी से दौड़ता है, उसी तरह से उस जंतु में वो चाबुक है वो क्या करता है उनको आगे की ओर मूव करने में मददगार होता है। तो जो सार्कोमेस्टिकोरा जो उपसंग है इनके जंतु हैं इनमें सूडोपोडिया पाया जाता है या फ्लेजेला पाया जाता है या कुछ जंतुओं में दोनों जो है पाए जाते हैं, यानी इनमें जो लोकोमोशन होता है वो या तो फ्लेजेला के द्वारा होता है जिसको बोलते हैं कसाब, या होता है सूडोपोडिया यानी कूटपाद, और कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें कसाब भी होता है और कूटपाद भी पाया जाता है। इसके अलावा सार्कोमेस्टिकोफोरा के जो जंतु हैं इनका एक अन्य मुख्य लक्षण ये है कि इनमें जो न्यूक्लियाई पाई जाती है वो मोनोमॉर्फिक टाइप की होती है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पूरे जीवन काल जो है एक जैसी होती है, उसमें कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता, जो सीमित रहती है। तो ये जो उपसंग सार्कोमेस्टिकोफोरा है इसको अपन फर्दर जो है कि आगे अध्ययन के लिए इसको 3 उच्च वर्गों में विभाजन कर अध्ययन करेंगे, यानी सार्कोमेस्टिकोफोरा को 3 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। तो पहली सुपर क्लास है मेस्टिकोफोरा, पहली जो सुपर क्लास कौन सी है मेस्टिकोफोरा, और दूसरी सुपर क्लास कौन सी है ओपेलिनेटा, और तीसरी जो है सार्कोडिना, यानी उपसंग जो है सार्कोमेस्टिकोफोरा की 3 सुपर क्लास
और पहली मेस्टिगोफोरा, दूसरी ओबेलिनेटा और तीसरी सार्कोडिना। तो पहली जो सुपर क्लास है मेस्टिगोफोरा, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। मेस्टिगोफोरा भी ग्रीक वर्ड है और जहाँ पर मेस्टिक्स का अर्थ है वीव, वही चाबुक, और फोरस का अर्थ है बियरिंग। यानी मेस्टिगोफोरन जो जंतु हैं इनके शरीर के ऊपर जो है एक आवरण पाया जाता है जो पेलिकल का बना होता है। इसके अलावा इनमें जो गमनांग होते हैं वो फ्लेजेला होते हैं, और इन जंतुओं में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रकार का होता है, और अलैंगिक जनन मुख्यतः लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के द्वारा संपन्न होता है। मेस्टिगोफोरा सुपर क्लास को फिर पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग एक फाइटोमेस्टिगोफोरा, फाइटोन का अर्थ है प्लांट, मेस्टिक्स यानी वीव, फोर्स यानी बियरिंग। तो ये जो है जंतु प्लांट सदृश होते हैं, लेकिन इनमें भी क्या होता है वीव लाइक जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। तो ये जो जंतु है इनमें फाइटोमेस्टिगोफोरा में वीव तो पाई जाती है, साथ में इसमें क्रोमेटोफोर विद क्लोरोफिल ये स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, यानी क्लोरोफिल भी इनमें पाया जाता है। और ये जंतु मुख्यतः क्या है कि क्लोरोफिल पाए जाने के कारण होलोफाइटिक होते हैं, एक तरह से सुपोषी होते हैं। और इसके अलावा ये कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो मुक्त जीवी होते हैं, और इनमें जो रिजर्व फूड पाया जाता है वो पैरामाइलोन या स्टार्च के रूप में पाया जाता है। इन जंतुओं की खास बात ये भी होती है कि इनमें एक या दो जो है फ्लेजिला उपस्थित होते हैं, जैसे यूग्लिना, सेरेटियम, नोक्टिलिका इत्यादि। वर्ग दो जू मेस्टिगोफोरा है ना, मेस्टिगोफोरा जो है इसको अपन ने दो क्लास में विभाजित किया था, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जू मेस्टिगोफोरा। तो अभी अपन ने बात की थी फाइटोमेस्टिगोफोरा, और दूसरा है जू मेस्टिगोफोरा। जू जैसा कि नाम से पता चल रहा है जून का मतलब एनिमल्स, जून इक्वल्स टू एनिमल्स, मेस्टिक्स यानी वीव, फोरोस यानी बियरिंग। तो ये जो जंतु हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण से ये ऑटोट्रोफ नहीं होते बल्कि हीटरोट्रोफ नेचर के होते हैं, और हीटरोट्रोफिक में भी अधिकांश कैसे होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी प्रकार के। पोषण की बात करें तो ये होलोजोइक और सेप्रोजोइक प्रकार का पोषण इनमें पाया जाता है, और यहाँ पर जो रिजर्व फूड होता है, जो रक्षित जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा इन जंतुओं में एक से ज़्यादा फ्लेजेला भी पाए जाते हैं, यानी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें एक पाया जाता है और कुछ जंतुओं में दो, तीन, पाँच या सात आठ तक भी होते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो लेस्मेनिया, ट्रिप्नोसोमा, ट्राइकोमोनास और ट्राइकोनिफा इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे सुपर क्लास दो ओपेलिनेटा, जो उच्च वर्ग दो है वो ओपेलिनेटा। तो ओपेलिनेटा के जो जंतु हैं वो मुख्यतः परजीवी प्रकार के होते हैं या सहभोजी प्रकार के होते हैं, और ये जो एनुरन है, जो एम्फीबिया वर्ग का जो ऑर्डर है एनुरा, उसके जंतु जो जिनमें फ्रॉग सम्मिलित किए गए हैं उनकी आहार नाल में ये परजीवी या सहभोजी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनका शरीर जो है उनके ऊपर फ्लेजेला की एक पंक्ति पाई जाती है, तिरिक ओब्लिक रो यानी तिरिक पंक्ति पाई जाती है, और ये फ्लेजेला ऐसे दिखाई देते हैं जैसे सीलियाँ हों। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या में ज़्यादा होते हैं और जो है आकार में थोड़े छोटे होते हैं, इस कारण से ये सीलिया लाइक दिखाई देते हैं। इसके अलावा इन जंतुओं में दो या दो से अधिक जो है न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियाई कैसे होते हैं मोनोमोर्फिक टाइप के होते हैं, एक जैसे होते हैं पूरे जीवनकाल में एक जैसे बने रहते हैं। इसके अलावा इनमें जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो बाइनरी फिशन द्वारा संपन्न होता है, या कभी कभार जो है सिनगेमी भी होती है। लैंगिक जनन जो है वो एनाइसोगेमी यानी जो गेमिट्स पाए जाते हैं वो एक जैसे नहीं होते, यानी जो अलैंगिक जनन जो है वो कैसे होता है बाइनरी फिशन द्वारा या सिनगेमी यानी जो गेमिट्स होते हैं वो एक जैसे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होते हैं एनाइसोगेमी यानी गेमिट्स उनकी शेप और साइज है वो एक जैसी नहीं होती, इस प्रकार के होते हैं जैसे कि ओपेलाइना और जेलेरिला।
तीसरा जो उस वर्ग है वो है सार्कोडिना, और सार्कोडिना भी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें सार्कोड का अर्थ है फ्लेसी। तो सार्कोडिना के जो जंतु हैं इनमें जो मुख्य गमनांग पाए जाते हैं वो हैं सुडोपोडिया, यानी सुडोपोडिया के आधार पर ही जंतुओं को सार्कोडिना वर्ग में रखा है, या गमनांग के आधार पर। और इनकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये अमीबा जैसे आकार के होते हैं जीव, और जिन पे जो है कोई निश्चित आवरण या पेलिकल नहीं पाई जाती, शरीर की जो है एक निश्चित फिक्स ये सेफ नहीं होती इनकी। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक या सेप्रोजोइक प्रकार का होता है। तो सुपर क्लास जो सार्कोडिना है उसको फिर तीन वर्गों में बांटकर आगे अध्ययन किया गया है। पहला है राइजोपोडिया, तो वर्ग एक राइजोपोडिया। राइजोपोडिया के जो जंतु होते हैं उनका जो स्यूडोपोडिया होता है वो आगे से कुंद होता है, या तिकुना हो सकता है, या जाल के रूप में हो सकता है। इस आधार पर जो है ये जो स्यूडोपोडिया है इनको लोबोपोडिया, फाइलोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया जो है नाम दिया गया है। यानी राइजोपोडिया के जो जंतु हैं उनमें स्यूडोपोडिया तो पाए जाते हैं, लेकिन स्यूडोपोडिया भी एक जैसे नहीं होते, ये लोबोपोडिया के रूप में हो सकते हैं, ये फाइलोपोडिया के रूप में हो सकते हैं, या रेटिकुलोपोडिया के रूप में हो सकते हैं, जिनमें एक्सियल फिलामेंट जो है एब्सेंट भी होता है। इसके अलावा ये जो जंतु हैं इनमें अमीबा और फोरोनिफेरस, माइसेटोजोन्स, इस तरह के जो जंतु हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। मोस्टली जो जंतु हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्रीली मुक्त रूप से रहने वाले, और कुछ जंतु जो है परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी इस वर्ग के कुछ जंतु ही परजीवी रूप में होते हैं, बाकी अधिकांश कैसे होते हैं फ्री लिविंग। अगर अमीबा की बात करें तो इनका जो शरीर है वो नेक्ड होता है, और अगर फोरमिनिफेरस की अगर बात करें तो ये जो है बॉडी जो है वो एक तरह से कैल्केरियस सेल, कैल्शियम कार्बोनेट के बने जो कवच है उसे आवृत होती है, और ये सेल है इसमें भी सूक्ष्म पोर्स पाए जाते हैं, पोर छिद्र पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर अमीबा, एंटमीबा और एल्फिडियम जो है राइजोपोडिया के एग्जाम्पल हैं। वर्ग दो पायरोप्लाज्मिया, तो इस वर्ग के जो जंतु हैं वो परजीवी प्रकार के होते हैं, और उनमें जो है गमनांग अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें स्पोर यानी बीजाणु भी अनुपस्थित होते हैं, और मुख्यतः छोटे आकार के पैरासाइटिक जीव होते हैं जो आरबीसी में, या जो वर्टिब्रेट्स की आरबीसी है उसमें ये पैरासाइटिक के रूप में पाए जाते हैं, जैसे बबेशिया। तीसरा वर्ग है एक्टिनोपोडिया, तो एक्टिनोपोडिया भी ग्रीक भाषा का शब्द है जो एक्टिस और पोडोस से मिलकर बना है। एक्टिस का अर्थ है रेज और पोडोस का अर्थ है फुट। तो ये जो जंतु हैं इनमें जो सुडोपोडिया है वो एक तरह से एक्सोपोडिया के रूप में पाया जाता है, और इनमें जो है एक्सियल फिलामेंट है वो भी पाया जाता है, जो एक तरह से बॉडी के जो गोलाकार जो शरीर होता है उसके चारों ओर ये पाए जाते हैं। यानी सुडोपोडिया जो है बॉडी के चारों ओर एक तरह से एक्सोपोडिया के रूप में या एक्सियल फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं। ये जंतु जो है प्लैंक्टोनिक होते हैं, एक तरह से पानी में मुक्त रूप से तैरने वाले, और इनमें जो है जो जीव सम्मिलित किए गए हैं उसमें जैसे हेलियोजोन्स हैं, रेडियोलेरियंस हैं, एकेंथेरियंस हैं, इस तरह के जो जीव हैं वो एक्टिनोपोडिया में सम्मिलित किए गए हैं। तो रेडियोलेरियंस और जो एकेंथेरियंस हैं ये सामान्यतः समुद्र में पाए जाते हैं, और जो हेलियोजोन्स हैं वो समुद्र के अलावा जो फ्रेश वाटर है उसमें भी पाए जाते हैं। रेडियोलेरियंस जंतुओं की अगर स्केलेटन की बात करें तो ये जो सिलिका का बना जो इन पर कवच पाया जाता है, सेल पाया जाता है। इसके अलावा अगर रेडियोलेरियंस जंतु की जब डेथ हो जाती है, ये डेड हो जाते हैं, मर्त हो जाते हैं, तो इनका जो कवच है वो समुद्र की तली में जम जाता है, और वहाँ पर ये रेडियोलेरियन ऊज का निर्माण करता है, जैसे कोलेजोम। अब हम बात करेंगे सब फाइलम स्पोरोजोआ की। तो स्पोरोजोआ उपसंग है, इसके जंतु जो है मुख्यतः एंडा पैरासाइट होते हैं, यानी अंतः परजीवी प्रकार के होते हैं,
और इनमें कोई विशेष जो गमनांग है वो नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। कई बार जो है अगर कुछ जंतुओं में अगर सोडोपोडिया यानी बाह्य पर्वत अगर पाए जाते हैं शरीर के ऊपर, तो गमनांग का कार्य नहीं करते बल्कि ये भोजन को अंदर की ओर धकेलने का कार्य करते हैं। इनमें जो स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं वो उनको मेरोजोइट्स कहा जाता है, और उनके अग्रभाग पर जो है एक तरह से वो थोड़ा जटिल होता है, जो कि होस्ट की सेल को पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। तो स्पोरोजोइट संघ है उसको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है टिलोस्पोरिया। तो इस वर्ग के यानी टिलोस्पोरिया वर्ग के जो स्पोरोजोइट्स हैं वो लंबे होते हैं, और इन जंतुओं में यानी टिलोस्पोरिया के जो जंतु हैं इनमें जो प्रजनन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। यानी एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं बनते, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स बनके मिलकर जो है जायगोट का निर्माण करते हैं, और उससे जो है नए जीव का डेवलपमेंट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जायगोट नहीं बनता बल्कि जो जीव है उसी से ही उसके अगर बाइनरी फिशन है उसे टुकड़ा हो गया या उसके बडिंग हो गई उससे नया जीव जो है डेवलप हो जाता है। तो ये जो टिलोस्पोरिया के जंतु हैं उनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके अलावा ये सामान्यतः जो वर्टिब्रेट्स हैं उन जंतुओं की आहार नाल में जो है या उनके ब्लड में परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने वाले जीव होते हैं। इनमें लैंगिक जनन जो है आइसोगेमी या एनाइसोगेमी प्रकार का होता है। आइसोगेमी का मतलब जो गैमेट्स हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे एक समान, और एनाइसोगेमी का मतलब है कि जो गैमेट्स हैं उनकी शेप और साइज़ है वो भिन्न भिन्न होती है। यानी मेल फीमेल गैमेट्स जो है वो अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोनोसिस्टिस, आईमेरा और प्लाज्मोडियम। वर्ग दो टॉक्सोप्लाज्मिया। टॉक्सोप्लाज्मिया के जो जीव हैं वो उनमें केवल अलैंगिक जनन ही पाया जाता है, उनमें लैंगिक जनन जो है नहीं पाया जाता। और ये जो अलैंगिक जनन जो है वो सामान्यतः इंटरनल बडिंग के द्वारा होता है, जिसमें क्या है कि दो जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो मातृ कोशिका से बनती हैं, उसके बाद मातृ कोशिका की डेथ हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें स्पोर्स जो है एब्सेंट होते हैं, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा। तीसरा जो वर्ग है वो है हैप्लोस्पोरिया, और इस वर्ग के जो स्पोर्स हैं, इस वर्ग के जीवों में जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अमीबा जैसे होते हैं, अमीबोइड टाइप के होते हैं, और मैं यानी सूडोपोडिया टाइप स्ट्रक्चर है या आउटक्रोथ जो है वो निकली होती है। और ये जो रिप्रोडक्शन है मुख्यतः अलैंगिक प्रकार का होता है, और ये अलैंगिक प्रकार का जो प्रजनन है वो मल्टीपल फिशन द्वारा संपन्न होता है। जैसे बात करें तो हैप्लोस्पोरिडियम। अब हम बात करेंगे सब फाइलम तीन नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा भी ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक भाषा के कनाइड और स्पोरा शब्द से मिलकर बना है। कनाइड का अर्थ है नेटल, और सीड का अर्थ है, स्पोरा का अर्थ है सीड। ये जो जंतु हैं ये मुख्यतः परजीवी प्रकार के होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, और इनमें जो है विशेष प्रकार के जो गमनांग हैं वो अनुपस्थित होते हैं, यानी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो है इनमें अनुपस्थित होते हैं। स्पोर्स जो है वो पाए जाते हैं, और वो जो है स्पोर्स के साथ में एक या एक से अधिक जो है ध्रुवीय तंतु यानी पोलर फिलामेंट्स है वो भी पाए जाते हैं। तो पोलर फिलामेंट्स जो है एक तरह से इनका एक स्पेशल या यूनिक फीचर है इन जंतुओं का। जब ये जंतु जो है जब इस जगह स्पोर्स है जो कब होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो पोलर फिलामेंट जो है वो एक तरह से डिस्चार्ज हो जाते हैं, और ये जो है होस्ट के टिश्यू से अटैच हो जाते हैं। तो सब फाइलम नीडोस्पोरा को हम दो वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इसके दो वर्ग हैं, पहला वर्ग है मिक्सोस्पोरिडिया और दूसरा है माइक्रोस्पोरिडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब फाइलम नीडोस्पोरा का पहला वर्ग मिक्सोस्पोरिडिया। तो इस वर्ग के जो जंतु हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं, और इनका जो विकास है वो कई जो न्यूक्लियाई हैं उनके द्वारा होता है।
मुख्यतः ये जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट से होते हैं, और जो स्पोर्स जो है उन पर जो है दो पोलर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इन पर दो एक तरह से कपाट भी पाए जाते हैं। दूसरा वर्ग है माइक्रोस्पोरिडिया, और माइक्रोस्पोरिडिया के जो जंतु हैं उनमें जो स्पोर्स पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, वो छोटे आकार के होते हैं और उनका विकास जो है एक न्यूक्लियस से होता है। इसके अलावा ये जो बीजाणु हैं, स्पोर्स हैं, इनमें जो है एक सिंगल वाल भी होता है, जैसा कि मिक्सोस्पोरिडिया में दो थे, यहाँ पर सिंगल जो है कपाट एक तरह से पाया जाता है। और ये जो जंतु हैं, यानी इस वर्ग के जो जंतु हैं, वो सामान्यतः इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, यानी अंतःकोशिकीय प्रकार के परजीवी होते हैं। और एक जो बहुत से जो जंतु होते हैं इस वर्ग के, उनमें जो है एक ध्रुवीय जो तंतु है वो पाया जाता है। जैसे हम बात करें नोजेमा बोम्बिसिस, अब हम बात करेंगे फाइलम फोर सीलियोफोरा, यानी चौथा जो उपसंघ है वो है सीलियोफोरा। तो सीलियोफोरा भी ग्रीक भाषा का शब्द है, और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों सीलियम और फोर से मिलकर बना है। सीलियम का अर्थ है आईलिड विद लेसेस एंड फोर्स का अर्थ है बियरिंग। तो सीलियोफोर्स आर कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल प्रोटोजोन्स, और जितने भी जो प्रोटोजोन्स हैं उनकी तरह से ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनमें जो गमनांग पाया जाता है वो सीलिया होता है, और ये सीलिया जो है इनको भोजन ग्रहण करने में, फीडिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो है मुख्य इनका लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स भी होता है। इसके अलावा इनकी खास बात ये है कि इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो डाइमॉर्फिक होता है, यानी इसमें जो न्यूक्लियस है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी एक प्रकार का नहीं होता। एक न्यूक्लियस जो है मैक्रो न्यूक्लियस, जो बड़े आकार का होता है, और दूसरा जो है माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मैक्रो न्यूक्लियस जो है वेजिटेटिव होता है, और ये जो है पॉलीप्लॉइड होता है, गुणित होता है। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्टिव होता है इसका फंक्शन, और ये जो है डिप्लॉइड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें बाइनरी फिशन द्वारा संपन्न होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉन्जुगेशन द्वारा संपन्न होता है। इस उपसंग में केवल एक ही वर्ग है सीलिएटा, तो क्लास सीलिएटा। तो क्लास सीलिएटा के जो लक्षण हैं वो फाइलम सीलियोफोरा के जो लक्षण हैं वैसे ही हैं। तो इनमें जो मुख्य गमनांग क्या है वो सीलिया हैं, और ये सीलिया क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं लेकिन असंख्य होते हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी के चारों ओर पाई जाती है। इसके अलावा जो सीलिएटा वर्ग के जो जंतु हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट वेक्यूल पाई जाती है, और ये जो न्यूक्लियस होता है वो डाइमॉर्फिक होता है, यानी मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें पैरामेशियम, वोर्टिसेला, बेलेंटियम, बेलेंटिडियम आदि जो है सीलिएट्स जंतु हैं। थैंक यू।